मुझे अच्छा लगा, मैंने नोटिस भी दस्ती कर लिया। ज्यादा छोटे नहीं हो गए? नहीं वो कल साले नहीं, क्या बात है सरकार, क्या मंगवा लो मेरे लिए, बस एक डायनामाइट चिकन मंगवा लेना और मैं कुछ नहीं खाऊंगा, ठीक है? अच्छा जी, आपकी भाभी ने ऑर्डर किया है एक चिकन काशू नाटू। वेलकम टू अ वेरी ब्यूटीफुल डे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और आज बात करने जा रहे हैं बहुत ही स्वीट कपल, बहुत ही क्यूट यूट्यूबर्स रजब भट्ट की, जो कि अपनी वाइफ को रिसेंटली लेकर गए हैं लंच डेट पे, जो कि उनकी फर्स्ट डेट थी और बहुत ही अच्छी रही, सक्सेसफुल रही, काफ़ी मज़ा हुआ, खाना भी अच्छा हुआ, गाना भी हुआ, गिफ्ट भी हुए, बातें भी हुई और बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातों के साथ साथ मजाक भी चलता रहा। तो आप भी देखिए जी, ईमान एंड रजब, इसको निकालो, मुझे भी एंजॉय करें, बातों को भी एंजॉय करें, मेरी दिखाओ निकाल के मेरी ऑडियंस को। ये भी हमारे एक भाई हैं इनका। तो रजब भट्ट अपनी क्यूट जो उनकी वाइफ है उनको ले गए डेट पर और साथ में लंच किया, उन्होंने काफ़ी अच्छा लंच किया। आप भी देख सकते हैं कि ये जो है ईमान है, उन्होंने अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया और रजब भट्ट ने भी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया। दोनों ने काफ़ी अच्छी बात की, ईमान ने थोड़ा सा अपना किया और वो इस लुक में बहुत ही क्यूट लग रही थी और रजब भट्ट को भी पसंद आई है ना। तो अब बातें भी होती रही, रजब भट्ट ने उन पर टास्क लगा दिया कि आप हमें सॉन्ग सुनाएंगे तो आपको गिफ्ट मिलेगा, तो सॉन्ग उन्होंने फाइनली सुना दिया। लेकिन यहाँ पे रजब भट्ट की मुझे एक बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, उस बेचारी ने इतना आपने इंसेंस किया, आपने इतना जोर दिया, सॉरी, तो उस बेचारी ने सॉन्ग सुनाया तो आपने उसका दिल तोड़ दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। उस बेचारी ने सॉन्ग सुनाया, आपने कहा नाक में, अगर तुम नाक से ना तो सुनाया तो सही ना सॉन्ग। यहाँ पर मैं भी कोशिश कर रही हूँ गाजर तोड़ने की, पर वो तोड़ती नहीं रही थी, ऊपर से टूट गई। तो आपने भी कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको इनकी डेट कैसे